वाह 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 भाई वाह वाह, खुश हो गए, कसम से खुश हो गए हम। ये कांग्रेस विधायक का हमारी लाइफ में पहली बार इतना दूध नापा, खुश हो गए। हमारे पास कोई ऐसा हार है नहीं, आपका स्वागत करते। मेरा ही मकसद लाइव होने का, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन वो जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस गाय दूध नहीं दे सकती है, और तो कांग्रेस के तमाचा है, कांग्रेस के बारे में जो लोगों को मानसिकता भरी हुई है जी, और यह हमारी कुदरत ने जिस जगह पे जिसका निर्माण किया है जी, जिस जगह पे वही लगती है। हमारे यहाँ कुदरत ने कांग्रेस गाय का निर्माण किया है, इसलिए मैंने कांग्रेस गाय पे फोकस किया है। भाइयों जय गो माता, जय गोपाल। तो आज ये वीडियो में हमारे उत्तर गुजरात की जो नेटिव ब्रीड है कांग्रेस गौ माता, उसका लाइव मिल्किंग करते हैं, और ये कांग्रेस गाय कितना दूध देते हैं वो पूरा हम आपको इस वीडियो में दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पर देखो भाई, ये पूरे बर्तन भी आ चुके हैं और यहाँ पर कांटा भी आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा कितना दूध है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और जो अच्छे दूध देती है पशुधन, उसमें क्या फीडिंग रहता है, यानी कि पशुओं को क्या खिलाया जाता है, वो भी आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। ये फार्म का नाम है श्री भवानी डेयरी फार्म, जो उत्तर गुजरात बनासकांठा जिला और सुईगाम और सोनाली गांव वर्धमान से राजपूत का फार्म में अपन खड़े हैं। तो कांकरे गौ माता का लाइव मिल्किंग शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर भी अवश्य करें। तो भाइयों, ये गौ माता का हम लाइव मिल्किंग करने जा रहे हैं, और हम थोड़ा अधिक दूरी पे बैठे हैं, क्योंकि कांकरेज गाय जब दूध निकालने का समय होता है, जब बच्चा साथ में रहता है, तो कांकरेज गाय थोड़ी अग्रेसिव हो जाती है, तो दूध पिला लेते हैं और शुरुआत करेंगे। कितना दूध देती है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब इधर आ जाओ, आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ सामने बैठ जाओ, या पर आ जाओ, थोड़ा फोकस में रहो बस, आ जाओ भाई। बाबे बे मिनट खोले, बाल्टी उल्टी कर दो रे, उभारो उभारो, बंद करो, दो मिनट थोड़ी जल्दी में, ये बाल्टी तुम्हें ऊंधी करी ना होली, हमें दोनों चालू ही कहीं आओ, चलो करो शुरुआत। लो डॉक्टर साहब लगा लो, ये हमारे गांव की बहने होती है भाई, जो पंजाब हरियाणा में जो पूरी सिस्टम होती है कि बाल्टी उल्टी करके दिखा लो, वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और तो देखो भाई, ये कांकरेज गौ माता का लाइव मिल्किंग शुरू हो चुका है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे, बढ़िया है? बढ़िया बढ़िया। डॉक्टर साहब ने शुरुआत की थी ये कांकरेज गायों की, तो शुरुआत में दैनिक 7 लीटर दूध था और पूरे बेतर में 2000, तो फिलहाल डॉक्टर साहब के पास दैनिक 20 से प्लस दूध देने वाले गौ माता है। पहला दूध तो थोड़ा ना पानी लाओ, देखो दिखाड़ी लाओ, पहला दूध तो दिखाड़ी, ये शुरुआत जब की थी ना तब इतना दूध था, देख लो, ये सत्य सत्य आपिस करना, ये डाल लो कोई दिक्कत नहीं, अबे दो तुम तो ये डोल ले, ये बाल्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो हो गया, ये वहां पर रख लो। तो गाय सबसे बढ़िया है भाई, देखो अभी फिलहाल बैठा है और सिर्फ 3 मिनट में ही बाल्टी भर ली, तो बड़ी धार वाली है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, क्या मुख्य खुराक है सभी पशुओं का? इसमें हम कपास का खल देते हैं, कपास या खल, बनास्टेरी का जो दाना आता है वो देते हैं, अच्छा, और एक्स्ट्रा में मिनरल मिक्सचर देते हैं, मिनरल मिक्सचर भी देते हैं, मिनरल मिक्सचर कंपल्सरी देते हैं, अच्छा, मीठा देते हैं, मीठा, हाँ जी, नमक, हाँ, सोडियम बाई कार्बोनेट पाचन के लिए देते हैं, इंडाइजेशन खराब देते हैं या मीठा सोडा देते हैं, दोनों ही देते हैं, दोनों ही देते हैं, और बाईपास फैट भी देते हैं, बाईपास फैट भी देते हैं, अच्छा, यानी कि आप प्रॉपर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो चाहिए वो देते ही है,
हाँ देते ही हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तभी तो हमारे पशुपालक भाई कहते हैं कि हमारे गाय तो शुरुआत में 10 लीटर दूध दे रही थी लेकिन दे नहीं रही है, तो ये कोई मशीन तो है नहीं जो देती है उसी प्रकार थोड़ा खिलाव खिलाना भी पड़ता है। तो आप ये अपने जो सभी पशुधन है जैसे कि आपके पास भैंसे भी है एवं कांकरेज गौ माता भी है, तो एक लीटर जब उसकी दूध क्षमता 1 लीटर दूध देती है तो कितना ये दाना देते हैं आप? वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो गाय को 1 लीटर पे 400 ग्राम और डेढ़ किलो शरीर निभाव के लिए देना पड़ता है। अच्छा। और भैंस के लिए 500 ग्राम दैनिक 1 लीटर दूध के लिए और डेढ़ किलो शरीर निभाव के लिए एक्स्ट्रा दाना देना पड़ता है। जी जी, यानी कि 400 ग्राम प्रॉपर 1 लीटर के लिए। अच्छा, और कांकरेज गाय थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती है, थोड़ा बहुत कम दे, कोई दिक्कत नहीं रहती, दिक्कत नहीं रहती क्योंकि उसका जीन इस प्रकार बना हुआ है। तो मुख्य दूध बढ़ाने के लिए मुख्य आपको अच्छा बुल का इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर साहब, काफी भाई कहते हैं कि हम ये खिलाते हैं, काजू खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, लेकिन ऐसे तो दूध नहीं बढ़ेगा, क्या कहना आपका? मुख्य ये दूध बढ़ाने का मुख्य जेनेटिक है। अच्छा, यानी कि मुख्य आपको अच्छे बुल का इस्तेमाल करना होगा, कोई सिमेंटेशन से अच्छे बुल का आप बीजदान का इस्तेमाल कर रही है। माँ और बाप दोनों ही अच्छा होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हो गया लाइव मिल्किंग, 5 मिनट में दूध निकल चुका, देखो भाई सिर्फ 5 मिनट में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्लस पॉइंट ये है कि 200 ml तो बच्चे ने पिया होगा, 200-300 ml, और कांकरेज गाय थोड़ा बहुत तो उसके लिए रखती भी है। आप तो प्लस पॉइंट यही है, यही देख लीजिए, जीरा कर देता हूँ। वो तो आप रखो पहले, प्लस पॉइंट यही है, वो हम दिखाना चाहते हो, प्लस पॉइंट देखना आप ना भूले। ये रखो रखो, उसके अंदर नापना है ना? हाँ मापना है। तो रखो आप उसके अंदर, करो न्यूटन अप। देखो भाई ये बर्तन और ये है न्यूटन। जी डालो, डॉक्टर साहब खुश हो गया मैं, वाह खुश हो गया ने, वाह वाह आप कर रहे थे कम, वाह वाह आप तो 11-11.5 बोल रहे थे। नहीं जी, लेकिन ये 12 लीटर माफ कीजिएगा 12 kg और 300 ग्राम, वाह 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 भाई वाह वाह, खुश हो गए कसम से, खुश हो गए हम। ये कांकरेज गाय का हमारी लाइफ में पहली बार इतना दूध नापा, वाह वाह। मैंने गई साल 6.5 लीटर ही दूध लाई थी वो गाय। अच्छा, और संपूर्ण वेतर इतना ही दूध दिया था। अच्छा 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 अच्छा, वाह 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 वाह, पहले भी गाय को मेरी ही नजर लगेगी। देखो आप, मैं थोड़ा आपको दूध दिखाना चाहता हूँ, देखो भाई जो भी है, लेकिन अभी कांटे के तौर पर 12 kg और 300 ग्राम दूध हमारी भारतीय देसी नस्ल जो उत्तर गुजरात की आन बान और शान कांकरेज नस्ल है, जो सुईगाम में भाई इतनी हाई टेम्परेचर में रहती है और यहाँ पर इतना दूध निकाला भाई, 12 लीटर माफ कीजिएगा 12 kg और 300 ग्राम, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पर आपको सर्वप्रथम गौ माता का दर्शन करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो भाई ये रूप देखो भाई, ये आप कांकरेज गौ माता का रूप देखो भाई, सुंदरता कश की कोयल भाई, ये देखो भाई सुंदरता देखो भाई, एकदम छोटा फेस कट और देखो भाई, और दूध निकलने के बाद खबर पड़े पैंट नहीं बदली, देखो भाई उसका जो पूरा ऑर्डर दिखेगा ही नहीं, ले लिया तो जब शुरुआत जब उसका दूध निकालने का जो ऑर्डर था वो फिलहाल का ऑर्डर, देखो भाई। और ये गेलू की बेटी है ना, वो तो सेक्सी में गेलू की बेटी है। हाँ वो गेलू की है। अच्छा, गेलू का बच्चा है जो है ना वो। हाँ, तो ये भाई गेलू की बेटी है। प्लस पॉइंट यही है कि माँ ने फिलहाल 12 kg प्लस दूध दिया और नीचे गेलू की बेटी है भाई, तो ये और भी नाम करेगी। तो डॉक्टर साहब, हाँ जी माइक आपके पास है। हाँ जी, तो आज खुश हो गए, हमारे पास कोई ऐसा हार है नहीं,
आपका स्वागत करते हैं। मेरा ही मकसद लाइव होने का, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, लेकिन वो जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस गाय दूध नहीं दे सकती है और तो कांग्रेस के कांग्रेस के बारे में जो लोगों को मानसिकता भरी हुई है जी। और यह हमारी कुदरत ने जिस जगह पे जिसका निर्माण किया है जी, जिस जगह पे वही अच्छी लगती है। हमारे यहाँ कुदरत ने कांग्रेस गाय का निर्माण किया है, इसलिए मैंने कांग्रेस गाय पे फोकस किया है जी। तो भाइयों, डॉक्टर साहब का काम बहुत बढ़िया है, ईमानदार इंसान है, ठीक है, और कोई दिखावा करते नहीं भाई, दिखावा नहीं है। देखो यहाँ पर जो सभी यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ना, ये 16 ये बीच वाली 16 प्लस दे रही है, जो सामने और खड़ी है वो भी बेशकीमती सोना है, वो भी 20 प्लस दे रही है। यहाँ पर देखो भाई, ये डॉक्टर साहब के जो आगे का भविष्य है भाई। तो हम कांकरे तहसील जाए बाइक लेके, ठीक है, और हमें जाना है, और यहाँ पर पशुधन अच्छे है, सभी का अपन लाइव मिलकर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये सत्य को सत्यापित करने हेतु तो आप नाइट रहो, लेकिन हम यहाँ से यानी कि ये सोई गांव में बीच में आता है बाबर, दियोदर और कांकरेज, ये चार तहसील हम पूरा तोड़कर इधर आए हैं। तो फिर से हम कल जाएंगे और वापस, ये हमारा बिजनेस है, तो दियोदर आएंगे तो मुश्किल तो हो जाएगी। लेकिन आप जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब ईमानदारी से बताओ, पूरे दिन का कितना दूध है गौ माता का? 23 लीटर तो 23-24 लीटर देती है, 23 से 24 लीटर दे देती है। तो उसमें आप और लोगों को तो मैं 22 लीटर, आपने तो 22 लीटर ही मैंने कहा था, दूसरों को भी हरीफाई में फॉर्म भरा हुआ है तो मैंने 21 लीटर ही लिखा हुआ है। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अच्छी दूध क्षमता है, खूब खूब आभार डॉक्टर साहब। यहाँ पर वीडियो का समापन करते हैं, मिलेंगे जल्द एक और नए धमाकेदार आपके इस फार्म के गायों के साथ। तो खूब खूब आभार, नमस्कार, आभार।